मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया, गंगा पूजन किया, क्रूज की सवारी की, काल भैरव के दर्शन करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री समेत 4 प्रस्तावक भी उनके साथ रहे। पीएम ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। पीएम नामांकन कक्ष में खड़े रहे, जब चुनाव अधिकारी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तब वे बैठे। सीएम योगी भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। पीएम सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। पीएम ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। कलेक्ट्रेट से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं, यहां सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी पहुंचे। पीएम के प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल रहे। ये तीनों भाजपा के स्थानीय नेता हैं। प्रस्तावकों में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। एक ब्राह्मण, 2 OBC और 1 दलित चेहरा है।